नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरुजी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं आप सबके लिए महिंद्रा सेज एरिया में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे लोकेटेड है। आप सब अगर महिंद्रा सेज की तरफ गए होंगे तो जय श्री पेरीवाल के बारे में, सेंट जेवियर के बारे में, ऑर्चिड इंटरनेशनल, रेड क्लिफ, इनके बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ये महिंद्रा सेज से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है, जो महिंद्रा सेज का ए ब्लॉक है, जो कि जब महिंद्रा सेज डेवलप किया गया था उस तरह दौरान उसको काटा डेवलप किया गया था और किसानों को जो लैंड डेवलप करके दी गई थी, ए ब्लॉक है, जिसके अंदर पार्क कहाँ बनेगा, फैसिलिटी पार्क कहाँ बनेगी, कहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, सब सुविधाएं वहां पे दे रखी है। काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स आसपास चल रहे हैं सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे। अगर आप महिंद्रा सेज मेन गेट की बात करें तो केवल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। जो आशियाना का फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल नियर बाई है, रिंग रोड सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, सैंड जेवी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और जयश्री पेरीवाल बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे है। ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वीआरबी गोल्डन सिटी नाम से एक टाउनशिप है, बहुत ही जबरदस्त टाउनशिप है, उसके अंदर लोकेटेड है और इस टाउनशिप में एक बीच में से एक कॉमर्शियल रोड है जो कि रिंग रोड से अपन कनेक्ट करेगा टुवर्ड्स वर्टिकल स्पाइन रोड जो कि मेन अजमेर रोड से महिंद्रा सेज को कनेक्ट करता है। तो ये जो सॉफिट का रोड है ये प्रपोज रोड है और इस रोड की अहमियत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 200 फीट का रोड रिंग रोड की तरफ से आ रहा है, उस जिसपे होटल हयात बन रहा है कोने में, उसी 200 फीट रोड को आगे जाके नेवटा होते हुए 250 फीट रोड से कनेक्ट होता है और 200 फीट और 250 फीट का जंक्शन बनता है रिंग रोड से। तो अगर आपको सेज जाना है तो इस रोड के थ्रू आप इजिली आ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी 200 फीट में से 100 फीट का रोड निकलेगा, तो जैसे ही 200 फीट बनेगा जगह जगह इसके पैचेस छूटे हुए हैं, पूरा जगह छूटी हुई है, जितना भी रोड बनेगा बहुत ही जल्दी इसका बनने की संभावना है। 2020 से मैं देख रहा हूं जो भी ये लैंड था पहले गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था, बट कोरोना की वजह से, बाकी चीजों की वजह से फंड की कमी, शायद उतनी उपलब्धता नहीं हो पाई होगी, ये रोड नहीं बना। ये रोड बहुत ही जल्द बनेगा, 1-2 साल का समय, से ज्यादा समय लगना नहीं है इसके अंदर। तो ये 100 फीट का रोड उसी में से निकलेगा जो कि 200 फीट और 200 फीट को कनेक्ट करेगा। ये 200 फीट और जो सेज के ए ब्लॉक है उसमें से 160 फीट रोड आता है जो कि वर्टिकल स्पाइन रोड से ये जो 200 फीट रोड वाला जो नेवटा वाला रोड है इसको कनेक्ट करता है, तो इसका जंक्शन बनता है। ये जंक्शन भी 200 मीटर की दूरी पे बन रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, क्योंकि बिल्कुल सेज के पास हो गई, आशियाना के फ्लैट्स के पास हो गई, आसपास जितने बड़े बड़े स्कूल है वो पास हो गया, नेवटा डैम जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है वो भी बिल्कुल नियर बाई हो गया। मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से गवर्नमेंट उसको डेवलप कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है इसका साइज, ये इसका जो पूरा एरिया है वो 134.44 जो कि जेडीए का स्टैंडर्ड साइज होता है वो है, फ्रंट 24.7 और डेप्थ जो है 49.2, तो टोटल 134.44 गज का ये प्लॉट है। बढ़िया प्लॉट है, 100 फीट के ऊपर कॉमर्शियल पट्टे के साथ आपको मिलेगा, रीसेल में ही अवेलेबल है। तो आप में से जो भी साथी छोटे सेगमेंट में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, खासकर आईटी के साथी, सर्विस क्लास में जो लोग साथी हैं, जो कि देखते हैं कि फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो जो इजीली जिसमें हमें लोन मिल जाए और एक छोटे सेगमेंट में वहां इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर में हम वहां पे कोई छोटा बड़ा कोई भी व्यापारिक काम कर सकें, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है। तो आप में से जो भी साथी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं छोटे साइज में, अट्रैक्टिव बजट में और मैक्सिमम लोन के साथ, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे नंबर है 7231009792। तो जो भी साथी एनसीआर में है, उत्तर प्रदेश, अपने राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, या जो भी अपने आईटी के लोग हैदराबाद, बेंगलुरु में है या सर्विस में है, जो लोग साथी हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप ये जगह देखें, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसको आप चूक मत जाना। रीजन बींग, इस पर्टिकुलर सीएच के अंदर जब से राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट परिवर्तित हुई है तब से काफी चहल पहल है। अगर आप देखेंगे, महिंद्रा खुद की एक टाउनशिप ला रहा है, आरटेक ग्रुप अपनी टाउनशिप ला रहा है, सुभाषीष होम्स अपने विलास का टाउनशिप प्रोजेक्ट ला रहा है, एमआर अपना लाई चुका है प्रोजेक्ट, तो बहुत अच्छी हलचल है और उसकी वजह से रेट दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। जहां पे जमीन 1 करोड़ रुपए बीघा की बिक रही थी आज से 8 महीने पहले, वहां पे अभी 2-2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन बिकनी चालू हो गई है और ये जमीन कोरोना के टाइम पे 50 लाख की, 40 लाख की मिलती थी, तो उससे आप ग्रोथ समझ सकते हैं। तो आप में जो साथी इस तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं उनको विजिट कराऊंगा। और लेकिन ये जो चीजें जल्दी कर लें क्योंकि अभी सीजन चल रहा है दिवाली का, तो बहुत मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं, जाते हैं और फटाफट डील होती है।
तो आप में जो भी साथी इंटरेस्ट है प्लीज कॉन्टेक्ट करें, मैं उनको विजिट कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी डील हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, हैप्पी दशहरा।